Hi, Mel Kitty. Let's start. Jimin? Ha, Cookie? Tum soba ve soğuk içici? Ben Cookie mi gelsin? Muzu soba ve neyi soğuk? Cookie, tum milisin, milisin, bir var soğuk. Tum soba ve soğuk. Ben Cookie, muzu... Kya tumhi, ha? Kya tumhi? Muzu çok... मुझसे क्यों शादी की तुम ये बताओ फर्स्ट जे तुम मुझसे क्यों शादी की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पापा को तो पैसे की कोई कम नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर तो पैसा तो बहुत है तुम लोगों को फिर तुम मुझसे क्यों शादी की ओह अब पता चला मैं इतनी हॉट हैंडसम इसलिए तुम मुझसे शादी की राइट जिमिन इसलिए कुछ नहीं कहती जो कि कहती है जिमिन कुछ नहीं कहती जिमिन सिर्फ बैठी होती है ऊपर तो जो कि कहती है ऐसे बैठ रहने से कोई कुछ नहीं होगी ठीक है जाओ बेड से उठकर ऊपर जाओ सोफे पे जाके सो तो जिमिन कहती है बट कुकी एक बात तो सुनो मेरी प्लीज हाँ क्या कुकी मुझे तो अकेले रहने नहीं आती है मैं तो टी के साथ तो अब तुम क्या ना कह सकती हो कुकी मैं क्या बेड पर क्या तुम बेड पर नहीं कुकी प्लीज मैं तुम्हारा तुमको टच भी नहीं करूंगी मैं उससे रहूंगी तुम इससे प्लीज कुकी बट मैंने तुम्हारे लिए एक साल के लिए शादी करने के लिए रेडी हूँ रेडी हुई तो तुम प्लीज मेरे साथ इतना तो कर लो मुझसे प्लीज ओके बट तुम उस साइड मुझसे टच भी नहीं करोगी मुझे ठीक है हाँ मैं तुमको टच भी नहीं करूंगी तो वो तो मुझे आकर बेड पर सोती है जिमिन एक साइड और जेके एक साइड तो जिमिन का हैबिट है कि वो पे को हक करके सोती थी तो अब तो पे नहीं है पे उस जिमिन की भाई बहन है तो अब पे तो यहाँ पर नहीं है इसलिए जिमिन नींद में ही वो उसको नहीं पता चला वो जेके को हक कर लेती है एंड फिर जेके समझती है उसकी जेब इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती वो जिमिन को बहुत जोर से हक करके सोती है तो जब सुबह होती है जिमिन उठती है फास्ट तो जिमिन देखती है जिमिन जेके की मतलब जेके जिमिन से बहुत जोर से हक कर रखा है तो जिमिन कहती है मैं यहाँ पर ये ड्रैकुला मुझे क्यों हक किया है कुकी कुकी मुझे लग रहा है कुकी छोड़ो मुझे कुकी जिमिन तुम यहाँ पर तुम तो उससे थी ना यहाँ पर कैसे आई तुम मेरे जैसा हॉट लड़का देखा है मेरे ऊपर उठ गई है जाओ यहाँ से उठो कुकी मैंने जानबूझ कर नहीं की थी हाँ मुझे सब कुछ पता है तुम तो कुछ भी नहीं जानबूझ कर करती हो ये ना उठो यहाँ से तो जिमिन वहां से उठकर नीचे जाती है जिम के पास हाँ मेरी मम्मा आ गई क्या यस मम्मा आ जाओ मम्मा जी यहाँ पर बैठो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट दे देती हूँ नो मम्मा आज मैं ब्रेकफास्ट दूंगी सबको बट नो बट मैम मैं दूंगी आज ओके मम्मा तेते कहाँ पर है तेते और सुबह तो नहीं आई अब तक ओके मम्मा तो आर्मी तहन जिमिन की बड़ी बहन है एंड तहन के साथ सुगा की शादी हो चुकी है एंड सुगा जंगकुक की बड़े भाई इसलिए वो लोग एक साथ रहती है तो जब जंगकुक आती है मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट दो मम्मा मुझे तुम दो मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगी जेके तेरे पापा भी यहाँ पर आएगी ठीक है मुझे तुम लोग कहा ना शादी करने के लिए मैंने शादी कर ली है ठीक है अब मुझे इसके साथ तो नहीं रहनी है तुम मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाऊंगी जेके मैंने कहा ना इसके हाथ से खाना है तो खाना है मैं खाना ही नहीं खाऊंगी ठीक है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी अब मैं जा रहा हूँ तो जेके वहां से चल जाती है जी मम्मा प्लीज इंसिस्ट कर लेना वो तुमसे प्यार करती है मुझे
ये जिस लिए नहीं कहते हैं, मुझे लगा है उसके जो जियो था ना उसके लिए ही ऐसा हो रहा है। हमको पता है उसका जो जियो था ना वो सिर्फ उसके साथ पैसे के लिए है और कुछ नहीं। हाँ मम्मा मुझे भी पता है ये। तो जेक के जाने के बाद जिमिन जेके के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर लेके जेके के ऑफिस जाती है। हाँ मैम आपको किससे मिलना है? मुझे आपके बॉस जियोन जांगकुक से मिलना है। ओह मैम आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? ना मेरे पास तो नहीं है कोई अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप नहीं मिल सकते। बट आपको आप आपके बॉस को जाकर कहिए कि मिस जिमी नहीं है। ओके मैम आप यहाँ पर रुकिए मैं आती हूँ। तो वहां से जाकर कहती है जंगकुक को, मैं कमिंग बॉस। यस कम बॉस, आपसे कोई मिलने आई है। कौन सर? ओ बॉस ओके ही, उसके नाम मीट जिमिन। जिमिन अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको यही आने कहूंगी तो उसे इंटरेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है आने को कहो उसको। तो जिमिन आती है। अब तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम किसी को नहीं बताया ना कि तुम मेरी वाइफ हो? हाँ मैंने किसी को भी नहीं बताई। थैंक गॉड। अब क्या तुम्हारी लंग्स और तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाई इसलिए? तो मैंने कि कहा था कि तुम लेके आओ मेरे मेरे लिए, बट तुम नहीं खाओगे तो तुम मुझे नहीं खाने। ठीक है ये लेके जाओ यहाँ से। अगर तुम ये नहीं खाओगी ना मैं जाके पापा को कह दूंगी कि हम लोग एक साल के लिए शादी की। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? प्लीज ओके फाइन यहाँ पर रखो जाओ। तो जिमिन जब जाने लगती है वहां पर कोई आती है तो जिमिन साइड हो जाती है। जिमिन देख के एक लड़की आती है जेके से बहुत टाइट से आकर के, ओ माय बेबी जेके तुमको पता है मैंने तुमको कितनी ज्यादा मिस किया। ओह माय गॉड मुझे पता है कि तुम मेरे लिए मुझे बहुत ज्यादा मिस करती है। जेके ये कौन है? ये कोई नहीं। कोई नहीं मतलब क्या होती है जेके? ये कौन है? ये तो जेके पंकज का बेटी, हमारे सेकंड सीईओ जेके अंकल है ना उनकी बेटी है, बिजनेस पार्टनर मेरे पापा का। हाय आई एम लिसा, आई एम जिमी। तो जिमिन वहां से चली जाती है क्योंकि लिसा जाकर जेके से चिप रहा था इसलिए जिमिन को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिमिन वहां से चली जाती है। तो जिमिन जब आने लगती है जिमिन के साथ एक लड़की को टक्कर हो जाती है। जिमिन कहती है आई एम सॉरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहा हो? अरे जिमिन मेरी बेबी तुम यहाँ पर